गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तीन तरीके की होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपेरेटिव डिग्री, और अपनी तीसरी जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा जो वर्ड होता है वो चेंज नहीं होता। सुपरलेटिव उसके बाद आती है कंपेरेटिव डिग्री, जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो लोगों को, और सुपरलेटिव डिग्री में एक पर्सन को हम कई लोगों से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉन इज क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जॉन को हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जॉन इज़ अ क्लेवर बॉय। सेकंड जो एग्जांपल है वो है जॉन इज क्लेवरर टू सोहन। अब यहाँ पे हमने जॉन इज क्लेवरर देन सोहन, यहाँ पे हमने देखा कि जॉन का जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है, सोहन से हो रहा है। तो ये आपकी कौन सी डिग्री कहलाएगी, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में हम एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। थर्ड है जॉन इज क्लेवरेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, जहाँ पर जॉन का कंपेयरिंग किससे हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स से हो रहा है। जब हम किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का एक से कई जगह लोगों से कंपेयर करते हैं तो वो किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये तीन तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होता, उसमें हम सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। सेकेंड जो होता है उसमें एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं। थर्ड जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें एक पर्सन का कई लोगों से कंपेयर किया जाता है। हम और एग्जांपल देख सकते हैं, इसके बनाने के भी कई तरीके हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हम लेते हैं, उनको बनाने के तरीके हम देखते हैं। जैसे है स्वीट, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वीट जो वर्ड है वो एक सिलेबल में है। एक सिलेबल में अगर कोई वर्ड होता है तो पॉजिटिव में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो हम उसका यूज़ करते ER लग जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाता है। तो स्वीट का आपका बन जाएगा स्वीटर, एंड यहाँ पर हो जाएगा स्वीटेस्ट। पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं, कंपेरेटिव में ER लग जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में आपका EST लग जाएगा। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, एक लेवल के जब वर्ड्स होते हैं तो वो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम दूसरे लेवल के वर्ड देखेंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड में दो लेवल आ रहे हैं, ब्यूटी एंड फुल। तो ब्यूटीफुल इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। जब भी किसी भी वर्ड में दो लेवल्स आते हैं तो हम उसमें ER नहीं लगाते, EST नहीं लगाते, हम उसमें मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा More beautiful, most beautiful। तो यहाँ पे दो सिलेबल है, ब्यूटी और फुल। दो सिलेबल का मतलब होता है किसी वर्ड का प्रोनंशिएट करके जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटी और फुल दो सिलेबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही डिफिकल्ट, यहाँ पे भी दो सिलेबल है, डिफी और कल्ट। तो डिफिकल्ट का भी हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, और मोस्ट डिफिकल्ट। थर्ड में हम देखेंगे, अगर किसी भी वर्ड के पीछे वाई आ जाता है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर हम वाई यूज कर रहे हैं तो उधर भी हम ER तो लगाएंगे, लेकिन वाई को रिप्लेस कर देंगे हम आई से। तो इसका हो जाएगा आपका हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। यहाँ पे ER तो हम पुट करेंगे, EST भी पुट करेंगे, लेकिन Y को रिप्लेस हम किससे कर देंगे, I से। तो हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट दो वर्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से
जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड है जिसमें जो कॉन्सोनेंट्स के पहले उसका जो वर्ड है वो वोवल अगर आता है तो उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड जो क्रिएट कर रहा है जो वर्ड है कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाए और ईआर और ईएसटी लग जाएगा, जैसे कि हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, इसमें भी कॉन्सोनेंट का जो पहले जो वर्ड आ रहा है वो वोवल है तो सैड का सैड, सैडर और सैडेस्ट। तो इस तरीके से हम वर्ड को बनाते हैं। अगर सिंगल सिलेबल में है ई आर ई एस टी लग जाता है, अगर वो डबल सिलेबल में है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। अगर किसी वर्ड के पीछे बाय आ रहा है तो हम उसको रिप्लेस आई के साथ करेंगे और ई आर और ई एस टी पुट करेंगे। अगर कोई भी वर्ड में कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले ही वोवल आ रहा है और वो शॉर्ट वर्ड है तो हम उसका यूज़ करेंगे, उस पर करेंगे डबल हो जाएगा ई आर और ई एस टी लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।